आगाज़ हो गया है और PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का। हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको और बड़ा बनाए। वैसे आज आप कराची किंग्स का पहला मैच है, क्या कहेंगे सर, कितने एक्साइटेड हैं और एक अलग एटमॉस्फेयर है? एक्साइटमेंट तो हमेशा होती है, कराची किंग्स का मैच हो या किसी और का मैच हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जीते एंड पाकिस्तान भी जीते। नहीं, स्कोर से मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। 10 ओवर में 51 रन थे और अगले 10 ओवर में सिर्फ 20-25 रन बने, तो उसको ज़्यादा हो सकता था। देखिए ना, मसला ये है कि अब एटमॉस्फेयर कोविड का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स दिए हैं, लेकिन मैं हमारे पास 6 होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे पास 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्या कर सकते हैं? आज हमारे पास इमाद और आमिर नहीं है। आज वो होते तो गेम आज बहुत डिफरेंट होती। कोविड का एटमॉस्फेयर में कंट्रोल किसी का भी नहीं, ना PCB का है, ना कराची किंग्स का है, ना किसी तीसरे ओनर्स का है। अब कोविड का है और कोविड बहुत बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के। वसीम अकरम, वसीम अकरम को कोविड हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह वसीम अकरम इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हमारी टीम को अगले मैच में कोविड इंशाल्लाह पहुंच जाएगी।